9 अक्टूबर की सुबह हुए युवराज सिंह हत्याकांड के सारे पन्ने आज मंदसौर पुलिस ने खोल दिए हैं। मंदसौर पुलिस कप्तान हितेश चौधरी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि दीपक तंवर व एक अन्य साथी द्वारा यह साजिश रची गई थी। साथी का नाम बजरंग दल के नगर अध्यक्ष व विहिप के कार्यकर्ता विक्की गोसर, पुरानी रंजिश व केबल और मछली व्यापार के तह हुई हत्या। पुरानी रंजिश सोनू गोस्वामी की हत्या सामने आई है। सोनू गोस्वामी की हत्या में आरोपी की मदद करता था युवराज सिंह। पुलिस ने यह भी बताया कि अगर युवराज सिंह की हत्या दीपक नहीं कराता तो दीपक की हत्या युवराज सिंह करा देता। दीपक तंवर व विक्की गोसर के अलावा 5 आरोपी और बनाए गए हैं, जिसमें छोटू उर्फ फैजान, अंकित तंवर, नागेश उर्फ लाला गोस्वामी, अनिल पिता कुकुल डागी, अनीस पिता रईस। बाकी पुलिस ने यह भी कहा है कि जो भी मदद करेगा वह भी इस अपराध में अपराधी होगा। बाकी पुलिस ने मना कर दिया है कि अभी तक और कोई नाम जोड़ा नहीं गया है। दीपक तंवर मंदसौर के लिए कोई नया नाम नहीं है। दीपक तंवर अपराधी किस्म का व्यक्ति था और विवादित जमीनों में हाथ डालकर उन्हें बड़े रईसों को दिलवा देता था। दीपक तंवर के ऊपर मंदसौर के दो बड़े व्यक्तियों का हाथ था, एक को गुप्ता कह सकते हैं तो दूसरे को जैन। आइए सुनते हैं कि एसपी साहब ने क्या कहा। मैं 7 न्यूज के लिए राकेश राठौर। मैं बताना चाहूंगा जो मंदसौर में 9 तारीख को एक गंभीर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें युवराज सिंह जी की गोली मार करके जो बाइक पर 3 आरोपी आए थे उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा और साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी और जो वाहन आदि उपयुक्त थे वो भी पुलिस को मिल चुके हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला, आईजी साहब, डीआईजी साहब और अन्य स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए निर्देश दिए, जिसके पालन में काफी सारी टीमें जिला मंदसौर के हर स्तर पर बना करके अन्य राज्यों अन्य शहरों में भेजी गई थी। घटनाक्रम में ये हुआ था कि 9 तारीख को सुबह जब युवराज सिंह जी गीता भवन अपने अंडरब्रिज के पास थे तो वहां पर एक बाइक पर 3 आरोपियों द्वारा आ करके उनकी गोली मार के हत्या की गई। वो जो आरोपी थे वो अंकित तंवर, छोटू उर्फ फैजान और नागेश गोस्वामी, इन दोनों ने हत्या की थी। तत्काल FIR दर्ज करके टीमें रवाना की गई। इसमें जो सफलता अब पुलिस को हाथ लगी है, 4 मुख्य आरोपी पुलिस के हाथ लगे, जिसमें अंकित तंवर जो उस समय घटना के दौरान बाइक चला रहा था, छोटू फैजान और नागेश गोस्वामी, ये तीनों ही उस गाड़ी पर बैठे हुए थे और तीनों के द्वारा फायर करते हुए शस्त्र से हमला किया गया था जहां मौत हो गई थी। साथ ही एक अनिल दड़िंग जो रेकी कर रहा था अपनी दूसरी बाइक पर उसी इलाके में लोकेशन देने के लिए, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही दोनों वाहन जो बाइक उपयुक्त हुए थे वो भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए हैं। जो शस्त्र उपयोग किए गए थे उनके द्वारा, तीनों आरोपियों के द्वारा, वो भी पुलिस के पास आ चुके हैं। साथ ही इसमें जो एक पूरा घटनाक्रम है वो मैं आपको इससे बताना चाहूंगा। इसमें जो साजिशकर्ता थे मुख्य, वो अभी तक की जांच के दौरान और विवेचना के दौरान पाया गया है कि बाकी प्रेस वार्ता आप हमारे YouTube चैनल पर पूरी देख सकते हैं।